Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. मित्रों, मैं गजानंद अग्रवाल cowgrazing.com से आज मैं एक बहुत ही अद्भुत गुरुकुल में आपको लेके आया हूँ, जो बसा है रांची झारखंड में कुटाम गांव में। ये गुरुकुल ऐसा गुरुकुल है जो एक MBBS डॉक्टर ऑल इंडिया टॉप रैंकर श्री केशवानंद दास जी महाराज गुरु जी ने बनाया है। ये गुरुकुल को आप कह सकते हैं कि ये ज़ीरो बजट गुरुकुल भी है, क्योंकि केशवानंद जी जब यहाँ आए थे उनके पास कोई पैसे नहीं थे, ना कोई ज़मीन थी। उन्होंने सिर्फ अपनी इच्छा के हिसाब से वो आए, गांव वालों से बात की, गांव वालों ने उनको 500 एकड़ ज़मीन दे दी। उसी 500 एकड़ ज़मीन जो जंगल था उसका एक छोटा सा 4-5 एकड़ के भाग में इस गुरुकुल को स्थापित किया है। इस ज़मीन के आजू बाजू में 400-500 एकड़ ज़मीन है जो वो एक्सपांड कर सकते हैं अपने गुरुकुल को जब चाहें। वही गाँव वालों के आदिवासियों के बच्चे यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हैं। इस गुरुकुल में दूसरे गुरुकुल के बात ही सब कुछ है। यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें नहीं हैं जो हम दूसरे गुरुकुलों में देखते हैं, बट वो भी चीज़ें हैं जो हमें गुरुकुलों में दिखनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल जो बोर्ड होते हैं, ऐसे BSE बोर्ड होता है, वो भी फॉलो करते हैं और वैदिक के सारे प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं। सारे जो भी हमारे अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, सब कुछ सिखाया जाता है और ये खुद केशवानंद जी सिखाते हैं और उनके जो सबसे बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, जो डॉक्टर हैं, वो आके सिखाते हैं। यहाँ पे 21 भाषाएं सिखाई जाती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अद्भुत है जो सिखाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे फोकस किया गया है नेसेसिटी पे। मैंने देखा है भारत के गुरुकुलों में कि डायरेक्शन नहीं है, विजन नहीं है, इसलिए जो भी कुछ वैदिक है वो सिखाया जा रहा है, थोपा जा रहा है, जिसकी ज़रूरत शायद नहीं है। जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम नहीं आती, पर क्योंकि वो वैदिक है इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है, पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस कारण क्या हो रहा है कि भारत के गुरुकुलों में 70-80% चीज़ें ऐसी सिखाई जा रही है जो बेचारे को कोई काम आनी नहीं है, और बच्चा जब निकल रहा है तो उसे वो एकदम ब्लैंक है, मैं करूँ क्या, क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं था पर उसे ज़बरदस्ती आर्टिस्ट बनाया गया, दुनिया भर के आर्ट सिखाए गए जो शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत कुछ और थी, उसकी इंटरेस्ट शायद और था। जिस बच्चे की एस्ट्रोलॉजी और दूसरे चीज़ों को देख के जो उसका फ्यूचर समझ में आता है, उस हिसाब से उस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। किसी बच्चा जो इंजीनियर जैसा है तो उसे आर्टिस्ट बना के क्या फ़ायदा, और जो आर्टिस्ट है उसे इंजीनियर बना के क्या फ़ायदा। तो ये सब पहलू देखे जाते हैं और हर बच्चे पे काम करते हैं गुरुजी। यहाँ पे मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि मैंने जितने भी गुरुकुल देखे हैं उसमें ये एक ऐसा गुरुकुल लगा जहाँ पे जो गुरु है वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान है और उसने मटेरियल लाइफ, जो भौतिक लाइफ होती है, उसमें भी अव्वल नंबर पे काम किया है, पढ़ाई की है, और स्पिरिचुअल लाइफ जो अपनी भगवान की भक्ति की लाइफ है उसमें भी अव्वल नंबर की पढ़ाई और ज्ञान लिया है। ये दोनों का मिश्रण इनके अंदर है, इसलिए ये बहुत बढ़िया गुरुकुल चला पाए और इतना बढ़िया गुरुकुल की स्थापना की। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर ये सब बातें आगे हमारी गुरुजी से जो चर्चा हुई है उसके अंदर आएंगी, तो वो आप देखेंगे। अभी हम गुरुकुल का थोड़ा सा एक छोटा 5-7 मिनट का दर्शन लेंगे, 500 एकड़ ज़मीन का, तालाबों का, नदियों का। यहाँ पे जो नदी है वो नदी में श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद नहाए हैं। ये तालाब में जो कमल लगे हैं ये भी भगवान की सेवा के लिए ये अपने मंदिर में यूज़ करते हैं, जो गुरुकुल का मंदिर है। और बच्चों को मंदिर सेवा भी सिखाई जाती है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ हम देखेंगे। ये बनाना की खेती खुद गुरुजी कर रहे हैं, ये भी गुरुकुल का पार्ट है। तो बहुत कुछ अपने को देखने को मिलेगा अभी गुरुजी से चर्चा के समय, तो आप देख रुकिए और देखिए और फिर हम आपको चर्चा सुनाते हैं। हरे कृष्णा।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare.